हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रंच वर्क्स। आज हम बनाएंगे एक अंडे की रेसिपी, जिसमें हम अंडा पराठे के अंदर स्टफ करेंगे। चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए पहले हम अपने पराठे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ दो अंडे ले लिए। अंडों को फोड़ के बाउल में ट्रांसफर कर लिए और याद रखिएगा, अंडों को ज्यादा नहीं फेंटना वरना हमारी स्टफिंग बहुत पतली हो जाएगी। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ते, हम इसमें अपने मसाले डाल लेते हैं। आधा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधी चमची लाल मिर्च पाउडर। हाँ, अपने अंडे को फेंट लेंगे, पर अंडे को हल्के से ही फेंटना है। ज़्यादा अगर फेंट लेंगे तो ये पतला हो जाएगा, फिर ये स्टफिंग में प्रॉब्लम करेगा। और हम यहाँ पर डो ले लेंगे, आटे की लोई, इसे हम बेल लेते हैं। इसे गोल बेल लेना है। हमें पूरे पराठे पे घी लगाना है ताकि जब हम अपनी स्टफिंग भर पाए तो फिर अच्छे से इसकी परत खोल जाए जिसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे। इसको हाफ फोल्ड कर दिए। फोल्डेड पार्ट में भी घी लगा दिए, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। अब इसको फोल्ड करके इसमें भी घी लगा के, हाँ अब इसको फोल्ड करके अब आप इसे बेल लिए। अपने पराठे को तवे पे रखिए और आंच हल्की रहने दीजिएगा। हमें अपना पराठा मीडियम फ्लेम पे टोस्ट करना है, सेकना है। देखिए इसमें कैसे कितनी अच्छी परतें खुली हैं। इसके हम अपना अंडा डाल देते हैं इसके अंदर, पर अंडा हल्के हल्के करके ही डालिएगा वरना ये पूरे में बाहर निकल जाएगा। हम अपने पराठे को सेक लेंगे। पराठा जब तक क्रिस्पी हो जाता है जब तक सेक लेते हैं। घी लगा के उसे हल्के हाथ से प्रेस करते रहिएगा। आप चाहें तो अपना पराठा ऐसे भी सेक सकते हैं, पर याद रखिएगा हल्के हल्के प्रेस करना है। अगर तेज प्रेस करेंगे तो फिर अंडा बाहर आ जाएगा। तैयार हो चुका है, हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल क्रंच वर्क्स। प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट, शेयर टू माई वीडियो।